लक्ष्मण जी सेवा धर्म के आचार्य हैं हो, देखिए ना। उठे लखन कहे, सोए ही नहीं थे कि जगे कहा जाए। पौढ़े धरिउर पद जल जाता, सेवा करते करते हो वहीं, अरे अभ्यास है, और प्रभु सोए थे, उठे लखन, और गुरु ते पहले जगतपति। पहले कौन सोए? तो गुरु जी सोए, बाद में प्रभु, फिर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पहले उठे, प्रभु पश्चात उठे, और फिर गुरुदेव भगवान। हम देर से सोए हैं तो देर से जगे, कोई सिद्धांत थोड़ी है। अच्छा, जो सोता है ना उसको जगाना भी नहीं चाहिए, जगाना पाप है, बहुत अपराध होता है। हाँ, कोई सोया उसको जगाए ना जाए, सोने दिया जाए। सोने वाले खूब सो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जग रहा उसको सुलाया ना जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको लिखाया जाए, सिद्धांत दिया जाए। क्यों, कोई कोई हो, सबके जीवन में महापुरुषत्व नहीं आता है, किसी किसी के जीवन में उसका अवतरण होता है। प्रातः विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर मेरे प्रभु भैया पुष्प वाटिका में, जनक राज महाराज की योग वाटिका में पुष्प लेने पधारे। योग वाटिका है, योग वाटिका का स्वरूप बड़ा सुंदर है। कैसा है देखिए, देखिए कैसा है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, सभी वृक्षों में नव पल्लव योगी की वाटिका है। निज संपत्ति सुर रूप ल जाए, आनंद कानन देव वाटिका लज्जित होती है, योग वाटिका का दर्शन करेंगे। जा तक को लकीर चको छहो ऋतुओं के पक्षी एक साथ महाराज जनक की योग वाटिका में कलरव कर रहे, मौर नृत्य कर रहे, चातक दर्शन ले रहा। इसका मुखचंद्र का सबका अपना अपना रस है। देखिए, उत्सव में किसको कैसा कितना आनंद आ रहा है, ये जिसकी जैसी मति गति चित्त वृत्ति चेतना उसको वैसी आती है। कई लोगों को भीड़ से बड़ा आनंद होता है, और कई लोगों को भीड़ से उलझन होती है। कई लोग मंदिर का शंख बजे तो कहते हैं आहा, देखो कितने दिव्य ओंकार की आवाज हो रही है, बाबा काहे जनवा शंख बजाते हो। कई लोगों को उलझन होती है, कई लोगों को आनंद होता है। एक ही विहार व्यवहार प्रकार चित्त की वृत्ति जैसी। एक बार मैं पश्चिम बंगाल में कथा कर रहा था, आसनसोल में, कम्युनिस्ट पार्टी वाले आए और सारे हॉर्न बंद करा दिए। तो हमारे मित्र मिनिस्टर थे, हमने फोन किया, अरे भैया
ये लंका है का हो वेस्ट बंगाल बतावा। लंको में विभीषण जी राम 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 करते थे। खैर अगले दिन से फिर शुरू भया। उस दिन कथा थोड़ी की गई ना हो, पंडलवे में कथा भई ना, बताइए की तो हालत है क्या है। अरे ले भगवान की चर्चा कर रहे हैं सब, भगवान की कोई चर्चा करने का विषय है तो ऐसा चर्चा भाई कि कलकत्ता से नमो नमो हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। जीवन में आदमी का विरोध करो भाई, साधु संत का विरोध कर लो चलो चलता है, भगवान का विरोध अरे राम 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 ओ कभी नहीं। भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि महात्मा है, महात्माओं का भी विरोध नहीं करना चाहिए। मुनि तापथ जिन थे दुख लहि ते नरेश बिनु पावक दही, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए भैया मेरे प्रभु। देखिए स्वभाव, अभी चर्चा हो रही थी, मिथिला पति के अतिथि हैं गुरु विश्वामित्र जी, उनके पूजा के लिए पुष्प चाहे जैसा ले लो, जिस वाटिका से ले लो, जिधर से ले लो, पूछने का क्या काम नहीं। चहु दिस चितई पूछ मालीगन लगे लेन दल, तुलसी दल फूल नाना पुष्प मोदित मन। भगवान पूछ करके मालीगणों से और पुष्प तुलसी दल बिल्व पत्र आदि उतारने लगे, इतने ही के मध्य में तो मेरी माँ का प्रवेश हुआ कथा में। जगत जननी पारंबा माँ भगवती श्री सीता महारानी कथा में प्रवेश कर रही हैं। बाबा ने जन्म की कथा गाई नहीं, इसलिए एक बार भाव श्रद्धा से इतना तेज जयकारा बोलियों की मिथिला पहुंचे। बोलिए किशोरी मैया की। भाई जय, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप लोग, वाह क्या बात है, आनंद तो आ गया। हा हा हा, सखिया मंगल गान गाती हैं गौर दरबार चलो सखी पोजी, गौर दरबार गौर दरबार शंभो दरबार शंभु दरबार चलो सखी गौर दरबार चलो जहकीन अधिक अनुरागा पूजा अधिक अनुरागा शंकर के पूजन कर सब सखी मिल शंकर के गौरा जी के कर मैं आज गौरा जी के कर मैं आज मैया जी के कर मैं आज मैया जी के कर मैं सुर हो सिंगार चलो सखी पूजिया गौरी दरबार सखियों ने स्नान किया वस्त्र आभूषण से सजी धजी और माँ के मंदिर में पहुंची। हो जाकीन अधिक अनुरागा हो जाकीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वरु मांगा के बोले सब जी के बोले सखी जयकार चलो सखी पोजिया में
दरबार।